सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जी हाँ, इसी तरह से सब आपकी खूबसूरती की तारीफ करने वाले हैं जब आप इस ग्रीन ब्लीच को करेंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा लूथरा एंड आज हम पहुंच गए हैं पिगमेंटेशन सीरीज के डे 3 पर। आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश देखकर अब मुझे और जोश आने लगा है। कल आपने भर भर के मुझे पिक्चर्स भेजी हैं, आपने पिगमेंटेशन ड्रिंक भी पिया, आपने फेस वॉश पाउडर भी बनाया है एंड बादाम वाला जो मिल्क बनाया था हमने स्किन के लिए, वो भी काफ़ी सारी पिक्चर्स आ चुकी हैं। तो कल के वीडियो में मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगी। जिन्होंने नहीं भेजी है अभी तक, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम की मेरी ID है pooja_poojaluthra। फेस वॉश पाउडर की बहुत तारीफ हो रही है, जिन्होंने भी बनाया है उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो जल्दी से बना लीजिएगा। आज बारी है ब्लीच की। मैंने आपके साथ कल शेयर किया था कि कल मैं आपके साथ ब्लीच शेयर करूंगी, सो हेयर आई एम विद अ वीडियो। संडे को भी आप लोगों के लिए वर्क कर रही हूँ एंड ये ब्लीच धीरे 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 आपके जो पिगमेंटेशन मार्क्स हैं, झाइयाँ हैं, उनको दूर करती जाएगी, स्किन को इवन टोन देगी। ये पिगमेंटेशन ब्लीच अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं तो लिप्स के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हो, अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी स्किन अगर आपकी अनइवन टोन हो गई है तो वहाँ की स्किन को इवन टोन बनाएगी ये ब्लीच। और घर पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है ये। इसको आप हफ्ते में एक बार, मतलब आज से हफ्ते में एक बार ज़रूर ज़रूर यूज़ करेंगे। और सन टैन तो ऑब्वियसली मिटाएगी, स्किन को वाइट एंड ब्राइटन तो ऑब्वियसली करेगी, तो वो तो कहने की बात ही नहीं है। मार्केट के ब्लीच की तरह इस ब्लीच में कोई भी केमिकल नहीं है, लेकिन मार्केट के ब्लीच से भी अच्छा परमानेंट रिजल्ट देती है ये ब्लीच। जहाँ मार्केट की ब्लीच में दाग धब्बे आने के चांसेस होते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं पूजा मैंने ना ब्लीच बहुत की थी पिछले साल या 6 महीने पहले, मतलब एवरी 15 डेज और 30 डेज मैं ब्लीच कर लिया करती थी और उसकी वजह से मेरे फेस पर डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, पिगमेंटेशन हो गए हैं। जी हाँ, केमिकल ब्लीचेस अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। बट ये जो ग्रीन ब्लीच मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये केमिकल वाली ब्लीच की अपोजिट है, यानी कि ये आपकी स्किन के दाग धब्बे दूर करेगी, स्किन पर दाग धब्बे लाएगी नहीं, दाग धब्बे दूर करेगी, पिगमेंटेशन रिमूव करेगी, टैन रिमूव करेगी, स्किन पर कोई हार्म नहीं करेगी, स्किन को बहुत अच्छे से वाइट एंड ब्राइटन करेगी और ये जो इफेक्ट आएगा ये परमानेंट होगा। तो आप ये नेचुरल ब्लीच यूज़ कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से बता देती हूँ कि ये ब्लीच आपको कैसे बनानी है और कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप लेंगे ये हरा धनिया, यानी कि ग्रीन कोरिएंडर। ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया को देख के चौंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम कोई चटनी वटनी नहीं बनाने वाले हैं, यहाँ हम अपने फेस को ब्लीच करने वाले हैं हरे धनिए से। हरा धनिया आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना होता है। पिगमेंटेड स्किन को, डार्क स्पॉट्स को, एक्ने स्कार्स को, स्किन की इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए हरा धनिया बहुत बहुत अच्छा होता है और ये हर मौसम में मिल जाता है। साथ ही साथ ये स्किन की डलनेस को दूर करके स्किन को ब्राइटन अप भी करता है। तो एक मुट्ठी के करीब हरा धनिया लिया है, हरा धनिया बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, सारी डस्ट मिट्टी इसमें से निकाल लीजिएगा, अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। आजकल मॉनसून सीजन है तो काफ़ी मिट्टी वाला आता है धनिया, तो आप बहुत अच्छे से इसको वॉश कीजिएगा। तो अच्छे से वॉश करके ही मैंने धनिया लिया है, तकरीबन एक मुट्ठी के करीब है धनिया। धनिया को हम डालेंगे मिक्सी के जार में। सेकेंड इन्ग्रीडियंट जो आप इसमें ऐड करेंगे वो है टमाटो। टमाटो इज़ ऑल्सो रिच इन विटामिन सी और ये डार्क स्पॉट्स को, एज स्पॉट्स को खत्म करने के लिए और पोर्स को टाइटन करने के लिए, स्किन को टोन करने के लिए बहुत अच्छा होता है और नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट हैं ये दोनों ही चीज़ें। तो आधा टमाटर मैं यहाँ डाल रही हूँ। अगला इंग्रेडिएंट जो आप इसमें लेंगे वो है रेड लेंटिल पाउडर, यानी कि मसूर की दाल का पाउडर। मसूर की दाल के पाउडर के बारे में मैंने आपको फेस वॉश पाउडर में भी बताया था, क्योंकि उसमें भी हमने ऐड किया था और आज भी बता रही हूँ, आपके दाग धब्बों के लिए और स्किन की टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर बाय बर्थ भी जिसकी स्किन थोड़ी सी सांवली होती है और वो डेली बेसिस पर मसूर दाल यूज़ करता रहता है तो उसकी स्किन अपने आप लाइटन होती जाती है। बहुत अच्छे गुण होते हैं इस दाल में और
अगला इंग्रेडिएंट जो आप इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा है. चावल का आटा स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा, स्किन टाइटनिंग इफेक्ट भी देगा और स्किन को फेयर भी बनाएगा, गोरा भी बनाएगा और दाग धब्बों को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है चावल का आटा. टैन रिमूव करता है चावल का आटा. तो इन सभी चीज़ों को आप मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से आपने महीन पेस्ट बना लेना है, पीस लेना अच्छे से. और पेस्ट बना करके एक चीज़ और इसमें ऐड करनी है, वो है एक चम्मच हनी यानी कि शहद. जिनको टमाटो सूट नहीं करता है फेस पर, वो नींबू का रस ऐड कर सकते हैं, आधे नींबू का रस आप ऐड कर सकते हैं. हनी यहाँ मैंने ऐड किया है एक चम्मच, बिकॉज हनी में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और डीपली हाइड्रेट करता है, वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है. कैसे यूज़ करना है वो ध्यान से देख लीजिए. आपको इस ब्लीच से पहले अपने फेस की क्लेंजिंग करनी है दूध से. दूध आप कच्चा भी ले सकते हो, रॉ भी ले सकते हो या फिर उबला हुआ भी ले सकते हो. उबला हुआ अगर आप ले रहे हो तो फ्रिज में ठंडा करके चिल्ड करके यूज़ कीजिएगा. और चाहे आपने फेस वॉश किया हुआ है अभी, फिर भी आपको ये क्लेंजिंग करनी है दूध से. जिन लोगों को दूध फेस पे सूट नहीं करता है वो ग्रीन टी से क्लेंजिंग कर सकते हैं या दही से क्लेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले क्लेंजिंग आपने ज़रूर करनी है, तभी ब्लीच का अच्छा असर आपके फेस पर दिखेगा. तो इस तरीके से कॉटन बॉल डुबो के मिल्क में और आपने अच्छे से अपने फेस पर मसाज करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए. इस तरह से डीप पोर क्लेंजिंग करने के बाद हम ये ब्लीच अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करेंगे. इसको अप्लाई करने के लिए आपको थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होगी, बिकॉज इसको आपको टैप 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 करके अपने फेस पर सेट करना पड़ेगा. तो अच्छे से अपने फेस पर एक लेयर लगा लीजिए, एक थिक लेयर लगा लीजिएगा अपने फेस पर. और अगर आप चाहते हो कि इस तरह से टैप 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 ना करना पड़े, तो आप क्या करना, धनिया और टमाटर को पीस लेना और उसको छान लेना. उसका जो पानी सा मिल जाएगा उसमें आप चावल का आटा और मसूर दाल मिलाओगे और हनी मिलाओगे, तो ये टैप 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 नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें ढेर सारा फाइबर होता है धनिया में, इस वजह से वो गिरता है. तो इसको हमें अच्छे से सेट करना पड़ता है अपने फेस पर. तो इस तरीके से लगा लीजिए फेस पर. इस ब्लीच को आपने 20 मिनट के लिए अपने फेस पर लगे रहने देना है और 20 मिनट के बाद ये सेमी ड्राई हो जाएगी. आजकल मानसून का सीज़न है, बिल्कुल भी ड्राई ना भी हो तो भी चलेगा. तो 20 मिनट की जगह आप आधा घंटा भी रख सकते हैं. और ड्राई नहीं भी हो रही है फिर भी आप मैक्सिमम आधे घंटे के बाद इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करोगे और उसके बाद पानी से अपने फेस को धो लोगे, आपके फेस का ग्लो तो बहुत ही अच्छा आने वाला है. साथ ही साथ वीकली बेसिस पर अगर इसे आप करते हो तो ये आपकी स्किन को लाइटन करती जाएगी, दाग धब्बों को लाइटन करती जाएगी और धीरे 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 विद इन 1 to 2 months आप देखोगे कि आपके जो डार्क स्पॉट्स थे या एज स्पॉट्स थे, झाइयाँ थी, वो लाइटन होती जा रही है. बिफ़ोर आफ्टर की पिक्चर्स आप देख के हैरान रह जाओगे कि सच में जो काम दवाइयाँ नहीं कर सकी, हज़ारों रुपए के ट्रीटमेंट्स नहीं कर सके, वो ये नेचुरल रेमेडीज़ कर देती हैं और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे. तो वीकली आपने ये ब्लीच करनी है. आप देख सकते हो मेरे फेस पर भी बहुत अच्छा ग्लो आया है इसे यूज़ करने के बाद एंड स्किन बहुत ही शाइन करती है. तो ये है आपका day 3 का टास्क. ये ग्रीन ब्लीच आपको करनी है और कल मैं आ रही हूँ फेशियल के साथ, जो कि आपके पिगमेंटेशन स्पॉट्स को, डार्क स्पॉट्स को हटाने का काम करेगा. तो वो फेशियल भी आपने ज़रूर ज़रूर फॉलो करना है. आज ये ब्लीच कीजिए, कल हम फेशियल करेंगे. बाय बाय.